ले भागो। हाँ लाई। जल्दी ला, भूख लगी है। लाई लाई। भागो, आज चाय मिलेगी कि नहीं? ला रही हूँ। चाय आपकी। अरे तू कहाँ जा रही है? आपकी राजकुमारी को उठाने, अब तक सो रही है। हमारी लाड़ो को हलवा बहुत पसंद है ना, उठ जाएगी तो गर्मा गर्म बना के खिला दूंगी। छोरी को पेट भर खिलाकर थोड़ा बचो खुचे हो ना, तो छोरी के बाप ने भी खिला दीजिए। लाड़ो को हलवा बहुत पसंद है ना, सारे लिए बनाऊंगी गरम गरम। कहीं जाना मत, मैं झट से पानी भर लाती हूँ। घर में मतलब सासरे में, पता है सासू माँ ने मुझे सिखाया और दादी सा ने तो खुश होकर मुझे 21 रुपए भी दिए नेग में। एक बार तो मुझे भी ना मिला था मेरा बनाया हुआ हलवा, सबने चटाचट साफ कर लिया था।
तो अब 16 और 8 का सामाहिक विभाजक कौन सा हुआ? जगदीशिया तुम बताओ। अरे मास्टर जी किसे पूछ रहे हो, इसको तो खुद का ध्यान नहीं है आजकल, प्रश्नों का क्या होगा। आनंदी याद है तन्ने, तू इसी रास्ते से दमक दमक कर स्कूल जाया करती थी। हाँ, और तू दीवार के पास से मुझे देखती थी। अब तो मेरा भी ब्याह हो गया है तो हम दोनों को स्कूल की दीवार से देखना पड़ेगा। चंपा भी हमारे साथ होती तो कितना मजा आता ना, वो तो एक ही निशाने से दो दो तीन तीन अमियां तोड़ती है। अरे तुम दोनों की मुझे बहुत याद आती है जब मैं अकेली होती हूँ। आनंदी बेटा तू कब आई? बस बहुत दिन हो गए, अब मुझसे गिनती मत करवाना, हमें बहुत जल्दी है। जल्दी में है? सासरे जा रही है क्या? ना काकी साहब, मैं अभी अभी तो आई सासरे से, हम दोनों केरिया तोड़ने जा रहे हैं। पता है बड़ी जम के लगी है इस बार, हरी हरी खरबूजे जैसी। ना बेटा अब ऐसा ना करते, अब तो पनेज हो गई है ना। तो पनेज ही तो मैं सासरे में हूँ ना, यहाँ तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ पहले जैसी। अच्छा दो तीन अमिया मेरे लिए भी ले आना, चटनी बना लूंगी। हाय चटनी क्यों, अब केरियों का साग बना लोगे, इतनी केरिया ले आऊंगी आपके लिए। तो चल फूली, देर हो गई तो केरिया पक ना जाए। चढ़ते चढ़ते तेरे सासरे जाने का वक्त हो जाएगा। ठीक है यही से तोड़ लेती हूँ। लग गया निशाना। मेरी हिंदी मत कर, अब की देख। तेरा पत्थर तो खंबे तक नहीं गया, मेरा पत्थर जाएगा। ए छुटकू तू देख। अरे वो देखो जगदीशिया आ गया। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? अरे जगदीशिया हाँ तेरे को साइकिल कैसे याद आ गई? इसमें याद आने वाली कौन सी बात है, मन क्या तो निकाल लिया। सच्ची सच्ची बोल दे जगदीशिया, मन कर रहा था ये मन मान नहीं रहा था। क्या मतलब है तेरा? तारी बिन्नी अपने मायके गई है ना, तभी तो उसकी इतनी याद आ रही है कि गौने में मिली हुई साइकिल को चलाने का मन कर रहा है छोरे को। अब तो भाई जब तक हमारे जगदीश की बिन्नी वापस ना आ जाए तब तक जगदीश का मन क्रिकेट में नहीं इस साइकिल में ज्यादा लगेगा। क्यों रे जगदीशिया? अरे क्या बात कर रहा है तू, वो गई तो गई, मेरा क्या, मुझसे पूछ के थोड़ी ना गई है जो मुझे उसकी याद आएगी। और ये साइकिल ताऊजी ने दी है, मैं कभी भी चलाऊं, मेरा मन। सारे गधे एक ही जगह इकट्ठा हो गए। अरे सुन तो, अरे कहाँ पे जा रहे जगदीशा? क्रिकेट नहीं खेल रहा? अरे सुन तो, ये कितनी बड़ी है ना, ये देख थोड़ी पीली है ना, मुझे बहुत पसंद है, खट्टी मीठी लगती है। हम ना तेरी खिड़की पे बैठकर खाएंगे नमक लगाकर, बड़ा मजा आएगा। पहले काकी सा को तो दे दे। काकी सा ये लो। अरे इतनी सारी अंबिया, अब इतनी सारी चटनी बनाना कि बरस दो बरस तक चले। जुक जुक जी।
हालत कैसा हुई मारी नाक कटाने के बाद वापस आने की? बाप को घूरने की भी हिम्मत आ गई तुझमें? चल निकल यहां से वरना तेरी जान ले लूंगा। बापू के मुंह पर कालिख पोती, क्यों भागी तो घर से छोड़कर क्यों भागी? माँ, मुझे माफ कर। क्यों आई है तू यहाँ पे? और वो काय जिसके साथ तू भागी थी? बापू, वो तो मुझे छोड़ के भाग गया। शरम, तू मारा खून नहीं हो सकती। क्या कर रहे हैं आप? अंदर ले चलो इसे, पेट से कहां जाएगी ऐसी हालत में? हाँ छोड़ मेरा, उल्टा पाप पेट में लिए घूम रही है। घर की चौखट पार करने से पहले जान ले लूंगा इसकी और इसके पाप की। तरस खाओ बच्ची, अगर हम सहारा नहीं देंगे तो बाहर तो इसे चिलखों में नोच खाएंगे। तेरा जी क्यों दुख रहा है? अरे कौन सा तेरे पेट की जनी है ये? दर्द खोक देकर नहीं उमड़ता। मैंने इसे जन्म न दिया तो क्या, पर इस पर अपनी ममता तो उड़ेली है। अपनी ममता तो दी है ना मैंने इसे। अपना मुंह बंद रख, अपनी इज्जत को धूल में मिलते हुए नहीं देख सकता। बस जात ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मैंने। चली जा छोरी, यहां तेरा कोई सगा नहीं। चली जा यहां से, मत दीजिए ना मुझे। रख लो ना अपने पास, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। रख लो ना। आज से हमारे लिए ये छोरी मर गई, और अगर तूने अपनी ममता दिखाई तो तेरे नाम का भी स्नान कर लूंगा मैं। चले निकल यहां से, चल निकल। थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल, थारी चिड़कली अब जाएला। काले जीरो टुकड़ो थारो मैं बाबुल थासू, दूर अब जाऊला। चल यहाँ से, एक शब्द भी नहीं बोलना, सीधा घर चलो। चल ले जा छोरी को घर पे। चंपा गांव में वापस आ गई, दोनों उसी के साथ खड़ी थी। चल ले जा इसे, चल घर चल चल। Oh.
बचपन का भटकाव शेष जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है।